आज की हमारी क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं कुछ चीजों के ऊपर, कुछ फॉर्मेटिंग्स एंड कुछ ट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है कि आपने चीजें तो समझ ली कि कौन सा टॉपिक कैसे हम कैसे उसको यूज करते हैं, क्या उसका रूल्स है, क्या रिलेशन है, दैट इज ओके। पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसको ऑफिस में इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढ। आज की हम इस क्लास में आपको मैं यही बताने जा रहा हूं कि ऑफिस के अंदर में हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने डेटा आपको दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में अमित जी कि किस तरह सॉरी अंकित जी किस तरह से हम सॉर्ट करते हैं डेटा। तो मैंने बताया कि डेटा को मुझे जोन वाइज सॉर्ट करना है, तो हम ए टू जेड कर लेंगे। ज़्यादा दिक्कत है तो हम कस्टम सॉर्ट पे जाके और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि हमें एक एक रो इंसर्ट करना है आफ्टर इच रो, या दो रो इंसर्ट करना है, या पांच रो इंसर्ट करना है, या पांच के बाद एक रो इंसर्ट करना। ये चीज़ भी सॉर्टिंग से की जा सकती है। कैसे की जाएगी? तो इसके लिए हम यहाँ सीरियल नंबर का एक कॉलन ऐड करेंगे, 1 2 से लेके नीचे तक इसको ड्रैग कर देते हैं, वापस इसको कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे और फिर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे। क्या होता है जब सॉर्ट हम ए टू जेड करेंगे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, तो जो वन है, वन यहाँ पे कितना टाइम है? टू टाइम है, टू भी टू टाइम है, तो ये वन जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये आपके पहले वाले वन के नीचे आ जाएगा। और सॉर्टिंग में कभी भी सिर्फ सेल नहीं आता है, पूरा का पूरा रो आता है। तो पूरा का पूरा रो आया, इसका मतलब है कि नीचे वाले वन जो है उसका तो ब्लैंक है, ये ब्लैंक लेके आएगा। इसी तर्ज पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे शॉर्ट कस्टम शॉर्ट सेलेक्ट कर लिया हमने सीरियल नंबर एंड ओके। आप देखिए एक के नीचे इस तरह से आपका शॉर्ट हो गया हर एक। अब सीरियल नंबर को हटा दीजिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ इसी तरह का डेटा आता है कि चार रो पांच रो के बाद ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, फिर ब्लैंक है, बहुत सारे ब्लैंक कॉलम सेल रोज होते हैं। अब मुझे उन ब्लैंक रो को फिल्टर लगा के या मैनुअली डिलीट करना दिक्कत है। मैनुअली डिलीट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और फिल्टर करके डिलीट करने में पीछे की जो डेटा है वो डिलीट होने के चांसेस होते हैं। तो हम चाहते हैं कोई एक अच्छा तरीका कि डिलीट हो जाए। और मैनुअल डिलीट करने में प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कोई डेटा भी डिलीट हो सकता है, फिल्टर पे भी पीछे डेटा डिलीट हो सकता है। तो यहाँ सबसे अच्छा शॉर्ट यूज करते हैं। शॉर्ट में हम किसी एक के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं, जैसे डेट के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट कर। तो सॉर्ट करने से होगा क्या कि आपका जो डेटा है ना, अभी हम देख रहे हैं, वो ब्लैंक रो को डिलीट नहीं करेगा, ब्लैंक रो को सबसे नीचे भेज देगा, और ये बड़े डेटाबेसिस पे फास्ट काम करेगा और ये सही भी होगा। ठीक है अंकित जी, अमित जी, ठीक गुड आउट। ठीक है सर। एक क्वेरी है मेरा, इसमें सवाल है। अभी तो जैसे इन बिटवीन हमने एक रो इंसर्ट किया, फिक्स्ड है। ऐसा भी है कि रो जैसे एक रो भी हो, आफ्टर दो तीन रो के बाद एक तीन चार रो हो, मेरी मतलब वॉइस आ रही है आपकी? फिक्स्ड नंबर्स इंसर्ट ना सर हो आपकी आवाज नहीं आ रही सर। एक। ठीक, मैं समझ गया आपकी हेलो। प्रॉब्लम को सर। मैंने हाँ बताया अगर मान लीजिए आपको अगर हर एक रो के बाद दो ब्लैंक रो जोड़ने या तीन ब्लैंक रो जोड़ने हैं, तो सीरियल नंबर को जो मैं रिपीट किया था, जैसे वन यहाँ था और नीचे वन था, तो नीचे वन जो होगा दो बार, ठीक है ना, उसको दो बार रिपीट कर अच्छा दिया, दोनों उठ के ठीक जाएगा। है। आप चाहते कि नहीं दो के बाद हो, तो आपको हर नंबर को दो बार यहां लिखना पड़ेगा, पर ठीक नीचे है जो है हर नंबर को सिर्फ एक बार लिखना। तो जब ठीक ये है। ऊपर उठ के जाएगा तो दो के बाद एक ब्लैंक इंसर्ट करेगा ना सर, समझे ना? समझ गया। ये मेथड है, अब इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इसका ठीक है। ये तो चलो ठीक है, मैंने कंसेप्ट बताया, लेकिन आखिर में इसका हाँ इस्तेमाल कहाँ होता है?
तो चलिए एक एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ। देखिए मेरे पास मंथ वाइज कॉलम है ना, हो सकता है कि ये डेज वाइज हो, 365 दिन का या 90 दिन, क्वार्टर का 90 का कॉलम हो या प्रोडक्ट वाइज हो। तो एक कॉलम फिलहाल 12 है, लेकिन हो सकते हैं कि ये 22 हो सकते हैं कि 50 हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सबका परसेंटेज निकालना है। तो हमें करना क्या है, अगर मैं मैनुअल करने जाऊं तो हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करूंगा, और फिर यहां पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज का हेडिंग दें। ठीक है, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड बाई 70 करेंगे, पर नीचे तक ड्रैग करेंगे और फिर परसेंटेज का सिंबल। कितना भी स्पीड आप करो, एक कॉलम को करने में तकरीबन 40 से 50 सेकेंड तो लग ही जाएगा। 12 है तो 10 मिनट का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्या सर? बिल्कुल चलिए बहुत स्पीड की है, 20 सेकेंड यूज की, फिर भी सर आपको जो है 5 मिनट तो लग ही जाएगा ना, क्या सर? हाँ जी सर, बिल्कुल 12 लग के लिए, जाएगा लेकिन टाइम। जब ये 50 होगा तो आधा घंटा लग जाएगा, अगर 100 होगा 1 घंटा लग सकता है, और साथ में गलती भी हो सकती है। जब आप ज्यादा काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान भटकेगा, पर जब आपका ध्यान भटकेगा तो आप गलतियां तो करोगे, ठीक है? ठीक है। इसका सलूशन है कि हम कैसे करें, तो हम उसी मेथड जो मैंने बताया उसी मेथड का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 1 2 मैंने यहाँ पे दिया, और आगे की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर। अब इस 1 2 को मैं यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हम इनको, हाँ सॉरी एक और गलती हो गई, यहाँ परसेंटेज का हेडिंग छूट रहा था तो फिर दोबारा मैनुअल देना मुश्किल था। हमने इसी को सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ। अच्छा, शॉर्ट जो है सिर्फ टॉप टू बॉटम नहीं होता, लेफ्ट टू राइट भी होता है। तो कस्टम शॉर्ट पे मैं गया, और ध्यान रखिएगा जब लेफ्ट टू राइट शॉर्ट कर रहे हो तो जो आपको शॉर्ट नहीं करना है, जैसे नेम का कॉलम मुझे शॉर्ट नहीं करना है, तो नेम का कॉलम सेलेक्ट नहीं होगा, नहीं करना है। फिर ऑप्शन पे लेफ्ट टू राइट, फिर ये आपका रो नंबर के हिसाब से आएगा, तो पहले रो को शॉर्ट करना है, पहला रो लिया एंड ओके, फिर आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब मेरा आधा काम हुआ है, अब हर कॉलम में जाके फॉर्मूला लगाना, उसको नीचे तक ड्रैग करना और परसेंटेज अप्लाई करना, वो बचा हुआ है। तो उस काम को भी हम कर लेंगे ऑटोमेशन ऑटोमेट के साथ। हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर गो टू स्पेशल है। गो टू स्पेशल में क्या होता है, सिलेक्शन कि सिलेक्टेड एरिया का आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं कंस्टेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं फॉर्मूला सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं नंबर टेक्स्ट लॉजिकल एरर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ब्लैंक करना चाहता हूँ, विजुअल सेल्स करना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं ब्लैंक करता हूँ। इस एरिया के जितने भी ब्लैंक होंगे ना, सिर्फ वही सिलेक्ट होगा, डेटा सेलेक्ट नहीं होगा। नहीं हुआ, सिर्फ ब्लैंक सेलेक्ट हुआ। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड बाई 70 किया। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल एंटर मारूंगा ना, तो सिर्फ C2 में ही हमारी वैल्यू टाइप होगी, बाकी जगहों पे नहीं होगी। हम सिलेक्टेड एरिया में भी टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट वही रीजन जो बताया वही होगा। तो कंट्रोल के साथ हमने एंटर प्रेस और फिर परसेंटेज को कन्वर्ट कर। यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है सर? मतलब होता है क्या है कि एक सिलेक्टेड एरिया में आप कुछ भी टाइप करके नॉर्मल एंटर मारो तो नीचे आ जाता है, लेकिन अगर आपने कंट्रोल एंटर मारा तो उस एरिया को कॉपी करके पूरे एरिया में पेस्ट कर देता है, चाहे आपकी वैल्यू हो चाहे आपकी फॉर्मूला हो। यही चीज यहाँ पे इसने भी की,
बार दोबारा रिपीट करेंगे इसको, इसको इस मेथड को रिपीट करना है या फिर जो मैंने यहाँ बताया उसको इस रिपीट वाले करना है? मेथड को जो आपने लास्ट में बताया था, जी जो लास्ट में बताया था कंट्रोल पेज वाला, कंट्रोल हाँ, मैंने बताया ना आपको कि एन। एक एरिया को सेलेक्ट करने के बाद आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करके नॉर्मल एंटर मारेंगे तो नीचे आएगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, कंट्रोल एंटर, तो पूरे एरिया में कॉपी पेस्ट कर देगा। और सेम चीज यहां हुआ, इसने पूरे एरिया में फॉर्मूले कॉपी पेस्ट किया, तो जब B2 गया तो B2 अपना रिजल्ट चेंज करते हुए गया और आपके सामने क्या आ गया, आपका डेटा आ गया, आपका फॉर्मूला डन हो। ठीक है सर। ठीक अब इसमें हम एक और चीज करते हैं, हम बात करते हैं। अच्छा अंकित जी, आपको मैंने अटेंडेंस फॉर्मेट तो नहीं बताया ना अभी तक। नहीं, अब हम बात करते हैं ऑटोमेटेड फॉर्मेट की, कि हमारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेट कैसे हो, कोई भी चीज की फॉर्मेटिंग हम बनाते हैं। तो चलिए हम एक अटेंडेंस फॉर्मेट की फॉर्मेट बनाते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लास्ट बचा हुआ था होम मेनूबार का। तो नीचे तक इसको हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पे नेम, जब भी कोई डेटा बनाया तो ध्यान रखिए एक सीरियल नंबर या उसका यूनिक नंबर, जैसे एम्प्लॉई कोड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह होना चाहिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने डाल दिया सबके, ये नाम कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं कि ड्रैग करने पर डिफरेंट नाम? ड्रैग कर, ये तो मैं नेम लिस्ट बना रखा है, ड्रैग करते आ जाता है। अच्छा मान लो मुझे जुलाई का बनाना, तो आप लोग डेट को ड्रैग करते हैं ना इस तरह से, लेकिन मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल इसमें डेट को सेलेक्ट करके +1 कर दे रहा हूं और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ताकि मैं एक डेट चेंज करूं तो पूरा डेट चेंज हो जाए, मुझे पूरे डेट को ड्रैग करने की जरूरत ना पड़े। ठीक ठीक है, है। और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऊपर में मैं मंथ देता हूँ और मंथ में इक्वल करके मैं इसको लिंक कर दिया और इसकी फॉर्मेटिंग मैंने कस्टम में गया और इसकी फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया MMMM/YY। दिक्कत हो तो दो तीन एरिया को मर्ज भी कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब मैंने ये जो डेट है ना, इसको मैं फॉर्मेट सेल पे जाके इसको मैं कर देता हूँ DD, सिर्फ डे, क्योंकि मैंने ऊपर मंथ डाल ही दिया है, तो यहाँ मंथ रहना जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एक पेज पे प्रिंट नहीं आया, इसलिए मैंने इसको छोटा करने के लिए किया। फिर मैं टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, क्योंकि तो मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग में बताया था आपको, इसमें हम 3 बार DD कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे एंड संडे। तो सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये भी कुछ कट रहा है, तो मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट करके किसी कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक किया तो ये ऑटो फिट हो गया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको अलाइनमेंट में जाके श्रिंक टू फिट कर दिया, मतलब जितना कॉलम का साइज है ना उस हिसाब से अपना के एडजस्ट कर ले। यहाँ पे आ गई, उसके बाद हम एरिया को सिलेक्ट करके बॉर्डर भी लगा सकते। मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो सैटरडे एंड संडे हो वो हाईलाइट हो, तो मैंने यहाँ कर्सर रखा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स, इसके यूज फॉर्मूला वाले सेक्शन में गया। अब मुझे इसमें क्या, सैटरडे एंड संडे दो कंडीशंस है, दोनों ऑप्शनल है, रिक्वायर नहीं, कोई एक ही हो सकता है, तो और लगाया मैंने, और इक्वल टू सैटरडे कॉमा, वापस इसको सेलेक्ट किया एंड बोला इक्वल टू सैटरडे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और जो ई के आगे का डॉलर साइन है ना उसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया इस तरह से। फिर फॉर्मेट सेल में गए, फिल में गए और यहाँ सेलेक्ट किए, देन ओके एंड ओके। फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम पूरे एरिया को सेलेक्ट करके सैटरडे तो आ गया बट संडे नहीं आया, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार जाके इसको एडिट करते हैं। अच्छा दोनों जगह पे हमें सैटरडे सैटरडे ही डाल दिया है, हमें यहाँ पे संडे डालना चाहिए था, ये मेरा मिस्टेक है। तो अब क्या होगा,
कि अपने आप चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि होलीडे है, अब मैंने एक एक सीट बना दिया होलीडे का, इसमें जितने भी होलीडे थे वो सब का लिस्ट डाल दिया, जैसे मान लीजिए कि 6 जुलाई आज है ना, आज छुट्टी है, और ये छुट्टी है सारे, तो अब मैं चाहता हूँ छुट्टी को हाईलाइट कर ले, कैसे करें? तो क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ का। काउंट इफ फॉर्मूले को किसी भी रेंज के अंदर में किसी सेल वैल्यू को अगर काउंट करते हो, अगर वो अवेलेबल है तो उसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज जीरो होगा। जीरो हुआ मतलब इतनी छुट्टी नहीं थी। अगर यहाँ पे काउंट वन आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 जुलाई डाल दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, रेंज शायद बढ़ाना पड़ेगा। रेंज तो पूरा लिया हुआ, पूरा कॉलर लिया हुआ, डी, अच्छा हम डी फोर लिए हुए हैं ना, या 5 लेना चाहिए था ना, हाँ 1 आ गया, इसमें छुट्टी है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रख के कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे हम इसको फ्रीज कर देते हैं, और डी फाइव का हम सिर्फ 5 प्रेस फ्रीज करेंगे, ताकि वो नीचे ड्रैग करे तो 5 6 ना हो, लेकिन इधर ड्रैग करे तो डी ई एफ जी हो जाए, और फिर इस पे हम अपना एक अलग कलर दे देते हैं, ओके, एंड देन फॉर्मेट प्रिंटर से पूरे एरिया में हमने पेंट कर दिया। तो जिस दिन छुट्टी थी उस दिन के आ, ये तो ऑटोमेट हो रहा है, लेकिन इसमें और इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि अगर मैं इसमें जून का डेट डालता हूँ, तो 1 जुलाई यहाँ आ जा रहा है ना, क्या सर गलत है ना? जी तो ऐसे चीजों के लिए भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके लिए इफ फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूला पढ़ाया नहीं हूँ, फिर भी क्यूरियोसिटी रहेगी आपको कि सर क्या है क्या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, इफ इसमें +1 करने पे अगर ईओ मंथ, एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ, जो किसी भी डेट को सेलेक्ट करने पे उसकी लास्ट डेट बताता है, वे बताएगा कि जुलाई का लास्ट डेट क्या है, जून का लास्ट डेट क्या है, लास्ट मंथ का लास्ट डेट, हर महीने के लास्ट डेट। तो मैंने बोल दिया है कि अगर इसमें +1 करने पे इसके लास्ट डेट से ज्यादा होता है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज इसमें तुम +1 करते जाओ। और ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें आगे ड्रैग करने पे एरर आने के चांसेस हैं, तो इफ एरर से हम एरर को ब्लैंक कर देते हैं। बस छोटा सा फॉर्मूला लगाया, हालांकि ये चीज़ें मैं आपको आगे क्लास में सिखा था, बट टॉपिक आ गया तो मैं सोचा कि पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं अगर यहाँ पे 30 जून करता हूँ, जून का मैं देता हूँ महीना, तो आप देख जून में 32 कहाँ सा, सॉरी ऊपर दे रहा हूँ, नीचे देना है ना हमको, आज क्या हो गया हमको। ठीक है, देखिए सर अब यहाँ पे कलर आ रहा है, वो तो काउंटिंग जो है ना, ये ब्लैंक सेल को भी काउंट कर लेता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये जो हमने ब्लैंक दिया हुआ है ना, स्पेस स्पेस कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, वो दिक्कत ऐसी होती है, हट जाए, समझ गए? आप चाहते हैं कि जो ये जो बॉर्डर है, एक बॉर्डर भी नहीं आना चाहिए, उसके लिए भी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया जा सकता है। तो पहले इसको सबसे पहले तो नो बॉर्डर कर दीजिए, और फिर मैंने इतना एरिया तो भाई फिक्स है, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे हमने कर्सर रखा, और यहाँ और न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और सिंपल सा हमने बोला कि अगर ए इक्वल टू स्पेस, डी को हटा देता हूं,
नॉट इक्वल टू स्पेस करना था, माफ कीजिएगा हमें, नॉट इक्वल टू स्पेस, तो क्या करे बॉर्डर लगा दे चारों तरफ से, फॉर्मल पेंट कर लीजिए और पूरे एरिया को पेंट कर, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका, तो इस पे वापस आपको लगाना पड़ेगा डीडीडी। तो जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी फॉर्मेटिंग को ऑटोमेट करना, उसकी फॉर्मेटिंग को ऑटोमेट करना, क्योंकि जब तक फॉर्मेट ऑटोमेट नहीं होगा तब तक उसके ऊपर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक फरवरी भी डालता हूँ तो ये 28 दिन आ रहा है, एक मार्च डालता हूँ तो 31 मार्च आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है। तो हम यहाँ पे होम मेनू बार खत्म कर दिए, इस बैच में होम मेनू बार फिनिश हो गया है। होम मेनू बार में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था कॉपी पेस्ट करना, हमने पढ़ाया था फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, हमने पढ़ाया था नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, फिर हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग पढ़ाया, सॉर्टिंग एंड फिल्टर पढ़ाया और पासवर्ड लगाना। बेसिकली इसमें से अधिकतर चीज आप लोगों को आता ही होगा, फिर भी आपको लगा कि नहीं कुछ चीज नहीं आ रही थी, तो हम सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास देके चीजें कवर कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोगों का एडवांस एक्सेल स्टार्ट होता है इंसर्ट मेनू बार, मतलब कि पिवट टेबल से, ठीक है, ठीक है सर, पिवट टेबल से स्टार्ट होता है। जिन लोग आप लोगों के फाइल व्हाट्सएप कर दूं, कर दीजिए सर।